मोना के मैके वालों के सामने हमारी नजरें झुक गई शर्म से। क्या जरूरत थी उसे जाकर उनके सामने हाथ फैलाने की? क्या सोचेंगे वो लोग, हम इसका ख्याल नहीं रखते, उसे पैसे नहीं देते? तुझसे बात कर रही हूँ मैं। ऐसे कौन से शौक है तेरे बीवी के जो तू पूरे नहीं कर सकता? अनुकल सुनो, तू मैं अनुकल अनुकल देखो ना मेरी तरफ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है भाई को, लेकिन मैंने मम्मी जी को नहीं बताया कि मैंने मुझे घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने उन्हें बोला मुझे कुछ चीज खरीदनी है भाई को। गलती मेरी है मोना, तुम नहीं जानती मोना कितना बेबस फील कर रहा हूं। तुम लाचार हालात से लड़ लड़के थक गया हूं मोना, मैं थक गया हूं, हार गया हूं। मैं तुम्हें ऐसे टूटने नहीं दूंगी, मेरे होते हुए तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, कोई मुसीबत तुम्हें नहीं छू सकती। तुम ही तो कहते थे ना कि मैं तुम्हारी ताकत हूं, मेरे होते हुए तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, कहते थे ना तुम। हाँ मोना, तुम मेरी हिम्मत हो, तुम हमेशा मेरा साथ देना, कभी मुझसे अलग मत होना प्लीज। मोना पुत्र। ताई जी तुसी यहाँ क्या कर रहे? अनुकल्प ने गुप्ता जी से कुछ कर्जा लिया, ता बता रहा था यहाँ मिल गया था चावला की दुकान के सामने। पुत्र गुप्ता के पैसे नहीं लौटाए तो वो चुप नहीं रहेगा, सारे मोहल्ले में अनुकल्प की बदनामी कर देगा। ताई जी वो क्या है ना कि अनुकल्प ने गुप्ता जी से उधार पैसे लिए थे, पर उसने सोचा था कि वो एक दो महीने के अंदर वापस कर देगा भाई को, पर बहुत परेशानी हो रही है उसको पैसों की, जॉब से भी उसको सैलरी कट के मिल रही है। अब मुझे पता चल गया है, मैं ही कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करता हूँ। ना ना ताजी तुसी कुछ ना करना प्लीज। क्यों पुत्र? अनुकल वो बहुत गुद्दार है। लो ये छोरी तो यहाँ खड़ी हुई है और वहाँ बार बार मिम्मी पर जाएगी, तेरे ससुराल दौड़ा रही है मुझे कि मोना को बुला ला, मोना को बुला ला, अब जल्दी चल। तू चल मैं। अरे चल ना। अरे इससे ना मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला डिजाइन बनाइए। जी मम्मी जी। मोना पुत्र तो हूं ना ही है, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, चल जल्दी से मैंने कोई चंगा डिजाइन बता। मास्टर जी कब से आए हुए हैं? आप गोरे हो ना, आप पे बहुत सूट करेगा भाई गौर। मास्टर जी देखिए इसका गोल गला बनाना है, और जो आप स्लीव बनाओगे ना। मास्टर जी जरा अंदर चलिए, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और वो भी दिखाने हैं। हाँ चलिए चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ। तू तो बड़ा डिजाइन और सिलाई वलाई समझती है, मुझे तो पता ही नहीं था। ताई जी आपको पता नहीं है क्या, कॉलेज के दिनों मैंने वो कोर्स किया था फैशन डिजाइनिंग वाला। मम्मी जी और स्वीटी दीदी के सारे सूट मैं ही तो डिजाइन करती आ रही हूँ अभी तक। तू इतनी होशियार है, हुनरमंद है, फिर भी कॉलेज की डिग्री को रोती है, फिर भी इस बात से परेशान है कि क्या काम करूं। मैं समझी नहीं ताई जी, जब अपनी मम्मी जी के लिए इतने अच्छे अच्छे सूट डिजाइन करती है तो इसी काम को अपना बिजनेस बना ले। देख इससे फिलहाल तू इतने पैसे कमा सकती है कि घर खर्च में कुछ मदद आराम से मिल जाएगी। सारे कर्जे लौटा दूंगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए गुप्ता जी प्लीज, थोड़ा टाइम। हाय रब्बा, ये मैं कर कर क्या नहीं देख सकती। मोना अब तुझे कुछ करना होगा भाई गॉड।